छोटी लड़की है अभी 18 साल की, आपने उसको प्रेग्नेंट कर दिया है, और आप मिलते कैसे? उनके बोलने का तरीका, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। तो यार आपके ऐसा कोई आपके पास है ना, इसके बच्चों क्या बोलेंगे बड़ों के, बताओ ना कि शादी करवा दो इनकी, इसीलिए आपने आपने कुछ सोचा था पैसा? और उनसे प्यार हो गया, प्यार प्रिंसिपल है आप अंकल जी, आप मतलब प्रिंसिपल टीचर, जो आपने मतलब इसको प्रेग्नेंट कर दिया है, उसके बाद आपने मुझे मैसेज किया है, ठीक है ना? मैं आपकी क्या हेल्प, राजीव जी आप ही है क्या? मैं राजीव जी, मैं कौशल हूँ, आपने मुझे मैसेज किया था, क्या हो गया था? ये लड़की है क्या? हाँ लड़की है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया जी बताइए। ये हुआ कि मतलब ये मेरे वाइस प्रिंसिपल है। अच्छा। और इनसे मुझे प्यार हो गया। प्यार हो गया? अच्छा फिर क्या हुआ? फिर मतलब ये हम दोनों फिजिकल हो गए। फिजिकल हो गए और इनसे प्यार हो गया। आपकी उम्र कितनी है जी अंकल जी? मेरी उम्र 55 साल है। 55 साल की उम्र है आपकी? और आपकी कितनी उम्र है? मेरी 18। 18 साल की है जी हाँ। तो 18 और 55 साल में आपने देखा नहीं, तो आपने बताया प्रेगनेंट वगैरह कुछ हो गया आप? 3 महीने से प्रेगनेंट हूं। 3 महीने से? और घर पे कुछ पता है? बताया मैंने, और घर वाले बहुत गुस्सा करे, मारा पीटा, और फिर इनको भी मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। तो वो तो ढूंढने के मारने के लिए जो आपने कांड किया है इतना बड़ा, जो आप मतलब प्रेग्नेंट हो गए हो, ठीक है? और अंकल की आप सही कह रहे हैं, ये बात तो। ये कौन है, ये कौन है अंकल जी? आपके वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल है आप अंकल जी, आप मतलब कि प्रिंसिपल टीचर हो गए स्कूल की, और आपने मतलब कि ऐसा कांड कर दिया? ये मैसेज तो थोड़ा टीचर होने के नाते गलत गया, पर ये इसके अंदर गलत कुछ भी नहीं है। गलत क्यों नहीं है कुछ भी अंकल जी बताइए मुझे? नहीं है कि मतलब कि अगर हम रिलेशन बना रहे हैं एजड लोग, तो उसके अंदर कोई, तो आप बना रहे हो ठीक है ना, जो भी चीज है, तो एज भी देखो ना, एज क्या है? आप अपने एज से थे? दोनों थे, दोनों तो आप समझाते हैं ना कि आप छोटी हो, आप तो मतलब टीचर हो ना आप, तो वैसे कोशिश नहीं करी, मुझे करनी चाहिए थी, पर ये कि जब ये भी मेरी तरफ आ रही थी, क्या नाम इसका, तो मुझे इसके अंदर मतलब ये कि और किसी बच्चे में नहीं नजर आया, बच्चे और भी मेरे यहाँ पढ़ने आते थे, ये किसी के अंदर मुझे अच्छा लगा, किसी से क्या इसके अंदर क्या अच्छा लगा आपको ऐसा, मतलब कि जो आपने मतलब इसको प्रेग्नेंट कर दिया है, उसके बाद आपने मुझे मैसेज किया है, ठीक है ना? मैं आपकी क्या हेल्प करूँ बताओ? मैसेज से जो आपको मैसेज कर रहा है किया गया, वो इसलिए किया गया है कि इसको मारा पीट, प्रेग्नेंट होने की पता, इसके घर पर जब पता लगा तो इसके साथ मारपीट की गई, जो भी हुआ तो मुझे उसका बड़ा अफसोस हुआ कि मतलब ऐसा मेरी वजह से हुआ। तो किससे घर वाले चाहेंगे कि बात बताओ अंकल जी, किससे घर वाले चाहेंगे कि मेरी छोटी, आपकी एज कितनी थी? 18 साल की एज में वो प्रेग्नेंट है ना, उसने क्या देखा है अभी, कुछ देखा उसने? हाँ अभी कहीं निकली नहीं होगी बाहर, कौन सी क्लास में हो अभी? 11th क्लास में, अभी 11th क्लास में बच्ची है अभी है, और आपकी एज देखो, इसकी एज देखो, ठीक है? कितना फर्क है एज में। तो आप एक सर हो ठीक है ना, और शिक्षा देते हो बच्चों को, और ये शिक्षा दे रहे हो आप बच्चों को, मतलब कि ये दे रहे हो कि हाँ भाई ये इतनी छोटी उम्र में चीज़ तो हो चुकी, उसी के सोल्यूशन के लिए आपको फोन किया गया। तो इसमें आप, मैं क्या कर सकता हूँ ये बताओ ना, मैं चाहता हूँ कि इसको एक तरह से समाज के अंदर बताया जाए कि एक काम हो गया है, उसके अंदर मतलब ये है कि क्या समझा जाए इसको, कि इसका कोई ना कोई फ्यूचर देखा जाए। फ्यूचर क्या देखा जाएगा, एक बात बताओ अंकल, आपकी एज जो है 55 साल की हो गई, आपकी कितनी एज बची है अभी? हाँ एज कितनी बची आपकी? इसलिए इसके फ्यूचर को सेफ करना चाहते हैं। सेफ क्या सेफ करोगे, आपने सेफ किया है फ्यूचर का, आपने प्रेग्नेंट कर दिया इसको। आप इसको घर वालों को समझाएं कि वो अपने सारे, मैं आपके घर वालों को क्या समझाऊं बताओ यार, क्या समझाऊं आपके घर वालों को मैं, मुझे आप बताओ, आपके घर वाले मानेंगे चीज से कभी भी? हाँ कि मतलब टीचर थे ठीक है ना, इतनी एज के थे और प्रेग्नेंट हो गई और शादी करने के लिए बोल रहे हो, ये समझाओ उनको कि शादी करवा दो इनकी, इसीलिए आपने आपने कुछ सोचा था पहले? अब हो गई गलती, तो गलती हो गई यार, छोटी मोटी गलती नहीं है ना, छोटी मोटी गलती। नाम क्या था आपका? पिंकी। पिंकी, तो पिंकी जी आप बताओ कि ये छोटी मोटी गलती है? गलती तो छोटी मोटी नहीं है, पर इसका जो कोई ना कोई तो मसला निकालना होगा ना, कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना। देखो मैं आपसे इतनी इज्जत से बात कर रहा हूँ इसलिए कि आप सर हो ठीक है ना, और आपने मतलब कि एक स्कूल टीचर हो है ना, स्कूल टीचर होने के बाद भी आपने मतलब कि ये जो किया हरकत है ना, इतनी छोटी लड़की है अभी 18 साल की, आपने उसको प्रेग्नेंट कर दिया है, और आप मिलते कैसे थे इनसे, मतलब कि जाके कहाँ मिलते थे इनसे? स्कूल बंक मार के इनके घर चली जाती थी। स्कूल बंक मार के घर जाती थी? बंक नहीं मारा जाता था, एज ए ट्यूशन के लिए मैं भी घर पर बुला लिया करता था, कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उसको बुला लिया करता था। जब आपस में एक दूसरे का प्यार शुरू हुआ तो फिर हम इस तरह से मिल लिया करते थे। तो आपने समझाने की कोशिश करी इसको कि गलत है ये, समझाया आपने? मैंने इस बारे में मैं क्या बताऊं, मैं समझाया था आपने? हाँ या ना, इतना पूछ रहा हूँ आपसे, हाँ या ना समझाया था या नहीं समझाया था? नहीं मैंने ऐसा नहीं समझाया, नहीं समझाया। जब ये मेरी तरफ को आई तो मैंने मतलब ये कि एक रिलेशन बन गए, तो आपको भी बोलना चाहिए था ना चीज़ को कि सर गलत है ये, मतलब अभी नहीं करते इसको, गलत है ये, अभी 3 महीने से आप प्रेगनेंट हो, आप ये बताओ कि अब बच्चा होगा ठीक है ना, बच्चा कहाँ जाएगा? पर ये हमने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, सोचा नहीं था। आप तो सर आपकी एज कितनी है आप देखो ना। हाँ वो अब हो गया ना,
जब भी तो घर से हमको निकालना पड़ा, इसको हमको घर से निकालना पड़ा। इसको कहाँ लेके जाओगे आप बताओ? घर वाले तो मना कर रहे हैं, घर मना कर रहे हैं आपके साहब साहब। हाँ, आप कहाँ लेके जाओगे इसको? हम ये चाहते हैं कि समाज इसको एक्सेप्ट कर ले और मैं अपनी प्रॉपर्टी अपना इसका रहना। अरे वो ठीक है, आपकी जो भी चीज़ है, पैसा है, जो भी आपके पास है ना, इसके बच्चों क्या बोलेंगे बड़ों के बताओ ना यार, ये मुझे चीज़ बताओ। जब इसका बच्चा बड़ा होगा तो क्या बोलेगा? 18 साल की उम्र में ये प्रेग्नेंट है, आप आपने बिल्कुल सोचा नहीं क्या? आप टीचर जो टीचर हैं और भी मुझे टीचर मतलब कि इतना समझना चाहिए था, पर वो मैं एज ए क्या नाम इसका आप ये मुझे बताओ, टीचर इतने सारे हैं ठीक है, उनकी भी तो इज्जत खत्म ही हो रही ना? आप जैसे आपने किया है, टीचर के नाम को बदनाम किया गया। बदनाम है ना ये? टीचर के नाम को बदनाम किया गया। कोई माँ बाप, कोई माँ बाप भरोसा कर सकते हैं अपने बच्चे के ऊपर? टीचर के नाम को बदनाम करने वाला काम किया, मैं इस काम को करना नहीं चाहता, पर ये हो गया। टीचर को क्या बोला जाता है, खुद बताओ, टीचर को क्या बोला जाता है? ऐसे क्या नाम इसका, उसको मतलब इज्जत की नजर से देखा जाता है ना, एक तरह से दूसरा माँ बाप वही होते हैं, टीचर ही होते हैं। बच्चों का भविष्य बनाएंगे, इसलिए अपने बच्चों को हम पर यकीन करके वो हमारे पास भेजते हैं। तो यार आपको तो यार थोड़ा बहुत समझना चाहिए ना यार, आप 18 साल की उम्र हो यार, आप मतलब आपने ऐसा कैसे कर लिया? प्यार और बहुत मतलब रिस्पेक्ट, बहुत प्यार से बात करते थे, इनके बोलने का तरीका, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। तो यार आप भी ऐसा कोई नहीं था क्या? आप अपनी एज देखो, इनकी एज देखो, कितना फर्क है एज में यार। आप लोग कह रहे हो कि हेल्प करे समाज, समाज समाज क्या बोलेगा? आपको पता भी है समाज कितना समझाओगे, समाज को तो आप चलो ठीक है, आपने मुझे बुलाया था, मैं वीडियो बना रहा हूँ ठीक है ना, कैमरा खुला हुआ है, आप समझाओ, समझा क्या नाम है उसका, समाज को आप समझाओ क्या बोलोगे समाज को? समाज को समझा जाता हूँ कि एक काम हमने गलती हमने कर ली है, उस गलती को उसका कोई ना कोई सुधार किया जाए, और उसका सुधार यही है कि हम दोनों एक शादी करें, और शादी करने के बाद में इसको मैं इसके बच्चों को अपना नाम दूं। अच्छा। और वो नाम जो है इसको प्रॉपर्टी जो भी इसके नाम करूं। अच्छा। और ताकि इसका फ्यूचर बना रहे, क्योंकि तो मेरी एज का कोई पता नहीं है, 5 साल 10 साल 20 साल कोई तो पता आप नहीं। ये चीज सोच रहे हो अब ठीक है ना, या इसका फ्यूचर, इसका फ्यूचर ठीक है, इसका फ्यूचर जो भी था, जो भी लड़का इसको मिलता है शादी होती है उसके साथ, क्या पता इसका अच्छा फ्यूचर होता? आपने शादी कर ली और आपको 1 साल बाद 5 साल बाद 10 साल बाद जितनी भी आपकी एज ज्यादा बची है ना, जो आप बड़ा मान के बात कर रहा हूँ मैं ठीक है, अब ये बताओ कि अब इसके बाद जो कुछ होता है आपको, ये कहाँ जाएगी, अकेली कहाँ रहेगी, क्योंकि फैमिली भी साथ नहीं है? आपकी शादी पहले हो चुकी है? जी मेरी शादी हुई भी है। बच्चे हैं? जी हाँ बच्चे हैं। बच्चे हैं तो इसकी कहाँ वहाँ पे इज्जत होगी, मुझे ये बताओ वहाँ पे कहाँ पे ये छोटी 18 साल की है, इसको दबा के रखेगा कोई? ठीक है ये बताओ, मैं दबा के रखेंगे? दबा के रखने का सवाल नहीं आएगा, सवाल जो है जो मेरी प्रॉपर्टी का, जो मेरी पेंशन वगैरह उसका कोई ना कोई घर के, मेरे घर में घर वाले, आपके बच्चे निकल जाएगा, आपके बच्चे हैं और आपकी जो बीवी है, पहले वो समझा लो उनको आप। क्या मैं उनको समझा लूंगा? उनसे बात हुई आपकी? जी उनको मालूम हो गया, मालूम हो गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला आपको अभी तक? नहीं अभी तक के बोलने को, वो भी बहुत कुछ सुना रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं, मेरे जो रिश्तेदार है, मेरे जो खानदान के लोग हैं, वो भी मुझे बहुत बुरा भला कह रहे हैं, पर यह है कि वो कह रहे हैं, पर वो कहीं ना कहीं तो उनको पता है कि इसके पास जो भी ये करना चाहेगा ये करेगा। क्या करोगे, क्या मुझे समझ नहीं आएंगे जी, आप क्या करोगे? सिर्फ मैं इसके फ्यूचर को देखूंगा और कुछ नहीं देखूंगा। फ्यूचर को आप देखते हैं तो आप इतना बड़ा मतलब वो गलत नहीं करते? अपने बच्चों को, अपने बच्चों को मैं समझाऊंगा, जो मेरे एक लड़का है मेरा, एक लड़की है मेरी, दोनों मैरिड हैं, उनको मैं समझाऊंगा कि जब मैं अकेला हो गया था तो मैं इस चीज़ को कम, वो समझ चुके हैं इस बात को। अच्छा। वो इस बात को थोड़ा समझ गए हैं कि ये अकेले रह रहे थे 15 साल से ज्यादा हो गए, वाइफ की डेथ हुए हुए, पर वाइफ डेथ हो गई आपकी? हाँ 15 साल हो गए। अच्छा। तो वो इस बात को थोड़ा समझ गए हैं कि तो आप इनको ले जाओगे मतलब कि उनके सामने कि ये मतलब जो भी इसके घर वाले तैयार हो जाए तो मैं अपने घर वालों को समझाने के लिए तैयार हूँ, वो समझ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और वो देखो अंकल जी, देखो मैं आपसे बोलूँ, मैं इन चीज़ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपने बुलाया ठीक है ना, मैंने जो मेरा काम है वीडियो बनाया, मैं वीडियो बना रहा हूँ ठीक है ना, मैं डाल दूंगा सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें हैं जी। आपके मम्मी पापा नाम क्या है? मेरे पापा का नाम है रविंदर, मम्मी का नाम है सुनीता। सुनीता जी, जो भी वीडियो देख रहे हो और जो भी चीज़ें आप लोगों को क्या लगता है? अच्छा एक पहली बात तो अंकल जी से पहले इसको घर लेके जाओ आप लड़की को ठीक है ना, क्योंकि जो ये लड़की है अभी देखो छोटी बहुत है ठीक है, समझ नहीं है बिल्कुल भी, जो भी चीज़ें इसकी गलती से जो भी हुई है ठीक है, इसको सुधारो ना, इसको ठीक रखो, क्योंकि देखो इसकी एज अभी कुछ तो देखा नहीं है इसने, इसको इसके घर से तो अलग ले आया हूँ मैं, इसको तो अब इनको पता नहीं है, वो हमको ढूंढ रहे हैं, अभी तो मैं इसको अलग ही जगह पर हम रह रहे हैं, अपने घर के अंदर भी नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मेरे घर का तो उनको पता है। अच्छा। तो फिलहाल तो हम एक अलग जगह पर रह रहे हैं, अगर वो एक्सपेक्ट कर लेते हैं हम फिर सामने आना चाहेंगे। हाँ जो भी चीज़ें देख लो आप घर ले जाओ, पहले बात कर लो मम्मी पापा से, जो भी चीज़ें हैं बात करो ठीक है ना, बाकी मैं डाल रहा हूँ वीडियो ठीक है, डालता हूँ वीडियो ना भाई, देख लो यार ये है जो मतलब कि शादी मतलब कि जो भी प्रेगनेंट हो गई है अंकल ने, जो प्रेगनेंट किया है इनको, बच्ची है मतलब छोटी है, बच्ची है और छोटी है, अभी समझ नहीं है इसको, मगर अंकल को समझ होनी चाहिए इस चीज़ की कि ऐसा कांड ना करते अंकल तो सही रहता ठीक है, इससे टीचर को बहुत फर्क पड़ेगा अंकल। मैं भी इस बात को मानता हूँ ठीक है ना, तो बस ये आप लोग जाओ जो भी है चीज़ समझाओ उनको, घर वालों को समझाओ उनको है ना, बाकी मैं डालता हूँ वीडियो ठीक है ना। तो गाइस वीडियो शेयर कर देना जितना हो सके, देख लो, और ये है इनकी पता क्या हो रहा है, कि भाई कुछ चल नहीं रहा पता कि एज में क्या है नहीं है,
क्या देख लो, एज देख लो भाई, आप लोग खुद एज देख लो, लग रहा है इनकी मतलब।